नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका S4 विज्ञान के इस चैनल पर। और आज हम लोग मिले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 5 पे, जिसमें आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम लोग मास यानी कि मेजरमेंट ऑफ मास, रेंज ऑफ मास, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का भी जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो के एंड तक देखते रहना, मजा आ जाएगा। आज भी आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिखे बिना रह जाओगे कि सच में आपने इस चैप्टर को इतना ज्यादा आसान बना दिया है। सर, सच में हमें आज से पहले कोई चैप्टर इतना आसान नहीं लगा। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही ग्रेट, अमेजिंग, बहुत ही ब्रिलियंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आ जाएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले देखो मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर कैसे किया जाता है, क्या होता है मास का मेजरमेंट, समझाता हूं। इससे पहले समझो मास क्या होता है। आपने सुना होगा कि आप बोलते हो कि जो मेरा वेट है वो इतना है, मेरा वेट 40 kg है, 50 kg, 60 kg, जो भी है। तो एक बात याद रखना, वेट और मास बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। वेट और मास एक चीजें नहीं होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या मैं आप डिफरेंस आपको बताता हूं। देखो वेट जो होता है, WEIGHT, वेट, वेट की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक, ये होती है न्यूटन। और जो मास होता है ना, मास, इसकी SI यूनिट होती है kg। आप बोलते हो कि मेरा वेट 40 kg है, भाई वेट 40 kg नहीं है, तुम्हारा मास 40 kg है। जब kg में बोल रहे हो ना, या तो ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरा वेट है वो 40 N है, kg नहीं लगाते उसके अंदर, kg गलत होता है, लेकिन डेली लाइफ में चल जाता है। लेकिन अब साइंस के स्टूडेंट ऐसे नहीं चलेगा। तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है समझना। वेट जो होता है कहीं चेंज नहीं होता, वेट जो है हर एक जगह चेंज होता है, मास कहीं चेंज नहीं होता। वेट हर एक जगह चेंज हो जाएगा लेकिन मास कहीं चेंज नहीं होता है। चाहे आप वैक्यूम में चले जाओ, चाहे स्पेस में चले जाओ, दोनों तो एक ही चीजें हैं। वैक्यूम में चले जाओ, चाहे स्पेस में चले जाओ, ठीक है, चाहे अपने नानी घर चले जाओ, चाहे बुआ घर चले जाओ, पापा घर चले जाओ, दादी घर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका जो मास है कहीं चेंज नहीं होने वाला है। बल्कि वेट जो है जबकि वेट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसीलिए वेट और मास में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ गया, बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताता हूं मास क्या होता है। देखो मास आपको मैंने बता दिया कि मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो मास क्या होती है, मास एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना ही लोकेशन पे डिपेंड करती है। क्लियर हुई बात। चाहे आप स्पेस में चले जाओ, वैक्यूम में चले जाओ, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती प्रेशर, टेम्परेचर, किसी पर भी। वो अकेली आजाद रहना चाहती है, वो सिंगल रहेगी और एक जैसी नहीं, कॉन्स्टेंट रहेगी। बोलो समझ में आया, ये होता है मास, ठीक है, ये होता है क्या, मास, ठीक है। मास की जो SI यूनिट होती है, अभी तो मैंने आपको बताया SI यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, kg, किलोग्राम, ठीक है ना। बोलो समझ में आया, समझ में आया, डेफिनेशन पढ़ लेना, आसानी समझ आ जाएगा। बहुत इजी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझते हैं क्या होता है, जल्दी से ले लो। अब आगे देखो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, क्या होता है, सुनो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, वन, जिसको हम AMU से भी दिखाते हैं, AMU, इससे भी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, AMU को हम वन यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, वन एटॉमिक मास जो होता है ना, वन एटॉमिक मास किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है बहुत ही छोटे छोटे मासेस को मेजर करने के लिए। वन एटॉमिक मास यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है, देखो वन एटॉमिक मास जो होता है, ये एटम का एक मास होता है, क्या कहा मैंने, वन एटॉमिक मास जो होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ये एटम का मास होता है जो कि इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। नहीं समझ आया, देखो जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, वन
AMU जो होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 अपॉन में 12, यानी कि 1/12 के इक्वल होता है इनटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, इसके इक्वल होता है। बोलो नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया मैं बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, जिसको हम वन यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ठीक, वन एटॉमिक मास जो यूनिट होता है वो कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है, यानी 1/12 भाग के बराबर होता है। अगर शुद्ध हिंदी में कहूं तो 1/12 भाग के बराबर होता है वन एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है, ठीक। इसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन यूनिफाइड मास भी कहते हैं। इसको पूरा लिख दो, चलो यूनिफाइड मास भी कहते हैं इसको हम लोग। बोलो समझ में आया, बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, जो यही पे बता देता हूं मैं, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है 1.66 इंटू 10^-27 केजी के। बोलो क्लियर हुई बात, ये होता है इसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10^-27 केजी। बोलो क्लियर हुई बात, ये होता है इसका वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू -27। सोचो कितना छोटा होगा, मैंने जैसे कि आपको बताया इसका यूज किस लिए होता है, छोटे छोटे मासेस को मेजर करने के लिए, वेरी स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। आई रिपीटेड अगेन, क्या वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, वन एटॉमिक मास एक कार्बन 12 एटम का एक मास होता है जो कि 1/12 पार्ट होता है ऑफ कार्बन 12 का। बोलो क्लियर हुई बात, क्लियर हुई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन मार्क्स में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसका स्टार पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, इसको स्टार पॉइंट दे दिया मैंने, स्टार बना के इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वन मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, 60-70 या 80 भी कह सकते हो, 80% चांस है इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं एटम के, उनको उनके मास को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, यह मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इस डिवाइस का यूज किया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए, इस डिवाइस का यूज किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना, इसको नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। इसके बाद भी एक रेंज ऑफ मास पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। के बाद आता है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके हम मास के रेंज देखेंगे कि मास ऑफ रेंज क्या है, जो प्रॉपर्टीज दी गई है हमें, इनके हमें रेंज देखने की, इसके मास जो है, इनका जो मास होता है उसके रेंज क्या क्या है, कहां तक है मास, ठीक है ना, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है केजी में, हम ये मास जो है केजी में होगा, मास तो केजी में होता है कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका 10^-31 केजी होगा इसका रेंज ऑफ मास, इसका जो मास का रेंज है 10^-31 हो सकता है बस। प्रोटॉन का 10^-27 केजी था, ये सारे केजी में है जो भी मैं बता रहा हूं। रेड ब्लड सेल का 10^-13, रेनड्रॉप का 10^-6, ह्यूमन का 10^-2, मून का 10^-23 केजी, अर्थ का 10^-25 केजी, सन का 10^-30 केजी, मिल्की वे गैलेक्सी का 10^41 केजी, एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो होता है उसका 10^55 केजी। बोलो क्लियर है बात,
इंपॉर्टेंट है ये सारे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा और सारे ही इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर हुई बात? बोलो भैया क्लियर हुई? सही लिखे ना सारे 45-50? ठीक है सारे सही है। बोलो बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो जल्दी से इसका पता है ना क्या करना है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई चीज मेजर किया गया है उसका एक्यूरेसी क्या होगा। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, आपको यहीं से दिख रहा होगा कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेट एक्यूरेट एक्यूरेसी एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट। यानी कि मान लो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी वैल्यू है ठीक है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है रियल वैल्यू है, उसके पास मेजर की हुई वैल्यू कौन सी है, कौन कितनी करीब है, वो होती है हमारी क्या एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल देता हूं जरूर समझ आएगा। देखो मान लो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं। चलो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना। ठीक है ठीक है, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो वैसे मेजर तो कर नहीं सकते, मान लो कोई आदमी है, मैंने उसे कहा कि अभी क्या है, मैंने उसको अपनी जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई है, मैंने उसे कहा कि भाई मेरे को ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना आपके दिखाओ मेरे को, ठीक है उसकी वैल्यू ना आपको दिखाओ। तो मान लो कोई बहुत, मान लो एक आदमी आया उसने मेजर कर दी 9.7, एक और आदमी आया उसने कर दी 9.6, एक और आदमी आया उसने कर दी मान लो 9.5, एक और आदमी आया मान लो उसने कर दी 10.4, मान लो एक और आदमी आया उसने कर दी 10.3, तो कुछ ज्यादा महान आदमी है। तो एक और आदमी आया जो कि और ज्यादा महान था, उसने 11.5 कर दी, इस तरीके से कर दिया मेजर कर दी। तो अब क्या है एक्यूरेसी, तो इसके एक्यूरेट इसके पास जो भी वैल्यू होगी, देखो ये होती है एक्यूरेट वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, और ये है हमारा मेजर्ड वैल्यू। क्या है हमारी ये मेजर्ड वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे बताई। तो क्या लिखा है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू, यानी कि जो मेजर की हुई वैल्यूज है वो एक्यूरेट वैल्यू का कितनी पास है, जो सबसे ज्यादा पास होगी, जो होगी सबसे ज्यादा पास एक्यूरेट वैल्यू के वो हो जाएगा एक्यूरेसी। यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सबसे पास इसमें से कौन सी है, वो है 9.7। तो इट इज द एक्यूरेसी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो क्लियर हुआ, ये होता है एक्यूरेसी। समझ आया यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके पास कौन सी वैल्यू है, जो जैसे कि ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये मेजर की हुई वैल्यू थी, ठीक है। तो मेजर की हुई जो वैल्यू है इनमें से मान लो 4-5 मेजर वैल्यू कर दी गई है, तो जो भी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ये मेजर्ड वैल्यू जो है जितनी भी है सारी, मान लो 5 ऑब्जर्वेशंस की गई है, 5 लोगों ने, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 लोगों ने वैल्यू को नापा है, तो 6 लोगों में से जिस भी आदमी का सबसे एक्यूरेट आएगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के पास, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसके पास जिस भी आदमी की वैल्यू आई होगी वो हो जाएगा एक्यूरेसी। बोलो क्लियर हुआ, आई रिपीटेड दोबारा बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, इसके पास जितनी भी, इसके पास जो भी मेजर्ड की वैल्यू होगी वो होगी, यानी सबसे करीब कौन सी 9.7, सबसे करीब 9.7 ही तो है इसके पास, ठीक है ये होता है एक्यूरेसी। तो यही बताई गई है डेफिनेशन में, ठीक है। बोलो समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये होता है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, एक सेकंड, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना आपको, जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर के, जो एरर्स, एरर का मतलब होता है गलतियां, एरर का मतलब क्या होता है गलतियां, तो गलतियां के यानी जितनी ज्यादा गलती करोगे
उतना एक्यूरेसी, यानी कि कहने का मतलब ये एरर, यानी जितनी गलतियां कम रहेंगी उतना एक्यूरेट वैल्यू आएगा, जितने एरर यानी गलतियां ज्यादा रहेंगी उतनी एक्यूरेसी कम आएगी। मान लो तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो तुम, यानी खूब बहुत एरर कर रहे हो, तो क्या तुम एक्यूरेट वैल्यू नाप पाओगे? बिल्कुल नहीं नाप पाओगे, है ना। अब मान लो तुम बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, बहुत एकदम मेरी तरह एरर्स, ठीक है, यानी बहुत पढ़े लिखे इंसान हो और तुमने एरर जो है बहुत ही, यानी गलतियां बहुत ही कम की, तुमने गलतियां समझ लो बिल्कुल ना के बराबर की है, तो उतना ही तुम्हारी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, है ना। तो इसीलिए जो एक्यूरेट होता है, यानी एक्यूरेसी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर के। बोलो क्लियर हुआ। तो अगर क्लियर हुआ तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं हट जाता हूं। इसके बाद हम लोग प्रिसीजन पढ़ते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अभी पढ़ा हमने एक्यूरेसी, अब प्रिसीजन पढ़ते हैं। क्या होता है प्रिसीजन, देखो, इट टेल्स अस टू दैट अप टू व्हिच दैट सॉरी अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है इसके अंदर, सुनना सामने। मान लो एक रॉड है, क्या एक रॉड है, ठीक है, ये हो गया रॉड। मान लो इसकी जो लेंथ है वो 2.9 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है, 2.9 मीटर है, ठीक। अब मैंने एक आदमी को बुलाया, मैंने उसको ये वैल्यू नहीं बताई, मैंने क्या कहा, मैंने उस आदमी को वैल्यू नहीं बताई। मान लो इतना बड़ा रॉड है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, सेंटीमीटर में कर देता हूँ, चलो मैं इसको, मीटर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर में है। मैंने किसी को बुलाया, मैंने 2-3 आदमी को बुलाया, लोगों को बुलाया और कहा कि इसका जो रॉड है इसका मुझे जो लेंथ है नाप के दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नापा, इसको नापा, तो एक आदमी ने नापा तो उसका आया 2.896, ठीक है। एक और आदमी ने नापा जिसका आया 2.796, एक और आदमी नापा उसने कर दिया 3.4 कर दिया, ठीक है। एक और आदमी आया उसने कर दिया, मान लो वो तो और महान इंसान था, उसने 3.89 कर दिया, मान लो इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस कर ली, चार ऑब्जर्वेशंस कर ली, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें से प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो देखो प्रिसाइज का मतलब होता है सबसे बिल्कुल करीब, एक्यूरेट में थे थोड़ा चल जाता था, लेकिन प्रिसाइज में क्या 0.00 में हमें फर्क देखा जाता है प्रिसीजन में, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग को देखा जाता है, यानी कि 2.9 में सबसे ज्यादा प्रिसाइज, सबसे बिल्कुल करीबी एकदम, सबसे बहुत ही ज्यादा करीबी वैल्यू कौन सी है, तो वो ये वाली है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिसाइज वैल्यू। तो 2.896 इज अ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ रॉड, ठीक है, जो रॉड है इसकी प्रिसाइज वैल्यू ये होगी एक्यूरेट। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब क्या जो 2.896 प्रिसाइज वैल्यू है रॉड की, ठीक है। अब एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप किसी चीज को एक्यूरेट मेजर कर सकते हो? कभी भी किसी चीज को एक्यूरेट मेजर नहीं किया जा सकता, पता चले नहीं बात, किसी भी चीज को आप कोई भी चीज मेजर करते हो, चाहे इंच टेप से क्या, तो भाई मेरी हाइट इतनी है 5.5 फीट है, मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 6 फीट का मैं, अगर एक्यूरेट नापा जाए ना वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज इन सब से, तो आपकी हाइट पता नहीं कितनी, बहुत ही पॉइंट पॉइंट में देखा जाना पड़ेगा फिर हमें। इसीलिए किसी भी चीज को हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते, ये बात ध्यान रखना, एक्यूरेट किसी भी चीजों को नहीं नापा जा सकता, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसके करीबी जो वैल्यू होगी वो रॉड की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। बोलो क्लियर हुई बात, जो मैंने 2.9 सेंटीमीटर बोला रॉड का, एक एक्यूरेट वैल्यू थी, बिल्कुल नहीं एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी, इसके करीबी वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू कौन सी थी, ये वाली। तो इसके प्रिसाइज वैल्यू देखी जाती है, 2.9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू ये मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो ये जो 2.896 है इज अ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ रॉड। बोलो क्लियर हुआ, ये होता है प्रिसीजन, ठीक है ना। यानी कि डेफिनेशन भी समझाते हैं एक बार, इट टेल्स अस दैट अप टू व्हिच व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की गई है उसकी लिमिट क्या है एक्चुअल वैल्यू के पास की, ये होता है हमारा प्रिसीजन। बोलो क्लियर हुआ, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेजेस बताने की आपको कोशिश की है,
इतना आसान कोई नहीं बताएगा जितना आसान मैंने बताया आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और आपको बताया था मैं इससे पहले, अभी मत लो स्क्रीनशॉट, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। क्या बताता हूँ मैं आपको, अभी देखो इस दे जो मैंने बताया आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हो अपना चाहे तो, ठीक है। इसका जो एक और पॉइंट है वो है जो हमारा प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये होता है प्रिसीजन जो होता है लीस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लीस्ट काउंट कौन सा वाले सर, घबराने नहीं बताता हूं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। अभी समझा तो लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना जो प्रिसीजन होता है वो लीस्ट काउंट के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है लीस्ट काउंट, देखो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू नापता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बारीकी वैल्यू नाप देता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है लीस्ट काउंट। एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे हम क्या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं वो होता है लीस्ट काउंट। बोलो क्लियर हुआ, यही चीज होता है लिस्ट काउंट, जो मैंने आपको प्रिसीजन बताया था ना, प्रिसीजन, प्रिसीजन दोबारा लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। प्रिसीजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन किसके, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको लिखाई थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो आपने यहां पे एन लिखवाया था, अभी आपने यहां पे मेजरिंग, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो, ठीक है, जल्दी से ले लो। 1 2 3 ले लिया। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगले लेक्चर में हम लोग अब लास्ट के 2-3 लेक्चर होंगे जो कि फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार लेक्चर था आज का, बहुत ही ग्रेट लेक्चर था आज का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।